नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो पीजी वाले बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, बीएचयू ने अपना सेकेंड राउंड का जो सीट एलोकेशन का पूरा शेड्यूल है वो यहाँ पर जारी कर दिया है। इससे संबंधित कुछ बातें आपको समझना जरूरी है, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। पहले एक बार मैं इनका शेड्यूल आपको बता देता हूँ। पहली चीज़, जो आपका रिजल्ट होगा राउंड टू का, वो यहाँ पर 24 जून को आएगा। दूसरी बात, आपके पास सीट एक्सेप्ट करने का समय कब से कब तक होगा, जब से रिजल्ट आएगा तब से लेके 27 जून को दोपहर 12 बजे तक आपके पास समय होगा। आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन 28 जून तक कंप्लीट हो जाएगा, जो कि बीएचयू के द्वारा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फी पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा वो यहां पर 30 जून तक मिलेगा। तो 30 जून तक आपका यहां पर जो है वो सेकेंड राउंड जो है वो कंप्लीट होने वाला होगा। अब ये तो रहा आपका शेड्यूल, कुछ बातें आपके मन में आ रही होंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर अलग अलग केसेस बनेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको अभी तक जो है वो कोई भी सीट ऑफर नहीं हुई होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनके सीट ऑफर हुए होंगे, उन्होंने अपग्रेड पे लगाया होगा। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी सीट अपग्रेड हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सीट यहाँ पर अपग्रेड ना हो। पहली चीज, जिनको भी अभी इस बार पहली बार सीट ऑफर होगी, जिनको भी अभी मान लीजिए कि आपको यहाँ पर सीट ऑफर हो रही है फर्स्ट टाइम, ये आपकी पहली बार यहां पर आपको अगर सीट ऑफर हो रही है, तो ध्यान सुनिएगा आपको क्या करना है। आपको सबसे पहला काम यहां पर वो एक्सेप्ट कर लेना है, भले वो आपको पसंद है या नहीं है। अगर आप बने रहना चाहते हो बीएचयू की काउंसलिंग में, तो आपके पास एक्सेप्ट करने के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको सीट ऑफर अगले राउंड में नहीं की जाएगी, ध्यान दीजिएगा। किसी दूसरे कोर्स में अगर आपने अप्लाई किया होगा तो उसमें आपको मिल सकता है, लेकिन इस वाले में तो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको अभी एफिलिएटेड कॉलेज मिल रहा है और आप चाह रहे हो मेरा मेन कैंपस हो, तो आप अभी एफिलिएटेड कॉलेज को एक्सेप्ट करो, अगले राउंड के लिए अपग्रेड पे लगा देना, देन आपका वो अपग्रेड हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो ये वाली तो आपकी मिली ही रहेगी। इसको अगर आपको पसंद नहीं होगा तो लास्ट में जाके विड्रॉ कर देना, ठीक है, ध्यान समझ गए। अब सुनिए अगली बात। यहां पे ऐसा हो सकता है यहां पर कि आप जो है वो इस सीट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो अगले राउंड में जिस कोर्स में आपको सीट ऑफर हो रही है वो कोर्स में अब आगे सीट ऑफर नहीं की जाएगी आपको। हाँ, किसी दूसरे कोर्स में भी अगर आपने अप्लाई किया होगा तो उसमें अगर ऑफर होना होगा तो उसमें हो सकता है, मेरिट के ऊपर डिपेंड करती चीजें, ठीक है। चलिए, आप यहां पर एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप यहां पर फी पे करोगे, उसके बाद ही आपकी ये सीट जो होगी वो कंफर्म मानी जाएगी। अब इसके बाद अगर आपको ये पसंद है तो आप इसको यहां पर, दो काम है आपके लिए यहां पर, एक आप चाहो तो इसको यहां पर अपग्रेड कर सकते हो, और दूसरा चाहो तो आप इसको यहां पर फ्रीज कर सकते हो। फ्रीज मतलब आपको यही सीट मिल जाएगी, अब आगे इसमें अपग्रेडेशन नहीं होगा। और अगर आपने अपग्रेड पे लगा दिया या आपने कुछ नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली वो अपग्रेड पे लग जाता है। तो अगर आपने अपग्रेड पे लगाया या छोड़ दिया, मतलब ऑटोमेटिकली वो अपग्रेड पे लग गया, फ्रीज नहीं किया आपने, तो अगले राउंड के अपग्रेडेशन के लिए आप कंसीडर किए जाओगे, मेरिट के ऊपर चीजें यहां पर आपकी डिपेंड करेंगी। समझ गए ये बात। तो जिनको ये फर्स्ट टाइम होगा, अब मान लीजिए कि ऐसे बच्चे होंगे जिनको यहां पर जिनका अपग्रेड हो गया होगा इस बार, ऐसे कुछ होंगे जिनके अपग्रेड नहीं हुए होंगे, तो उनका प्रीवियस अलॉटमेंट ही शो कर रहा होगा। आप कुछ मत करिएगा, ऑटोमेटिकली वो अगले राउंड में अपग्रेड के लिए वो लग जाएगा, जिनका अपग्रेड पे लगाए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। मान लो कि जिनका अपग्रेड हो गया, दो केसेस बनेंगे, या तो अपग्रेड नहीं हुआ होगा या तो अपग्रेड हो गया होगा। अगर अपग्रेड नहीं हुआ है तो आप कुछ मत करिए, अगले राउंड में वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड पे लगा होगा। अगर आपके चांसेस होंगे, मेरिट आपकी वैसी होगी, तो अगले राउंड में अपग्रेड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब मान लीजिए कि आपका यहाँ पे अपग्रेडेशन यहाँ पर हो जाता है, सपोज करिए कि आपका अपग्रेडेशन यहाँ पे हो जाता है, अपग्रेडेशन हो गया तो यहाँ पर आपको वही फिर से वही काम करना होगा। आप यहाँ पर सीट जो होगी वो एक्सेप्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर ऐसा है कि आपका अपग्रेड हो गया, तब तो एक बात ये मान के चलिए कि आपको यहां पर ऐसा तो कुछ करना है नहीं, मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फी पेमेंट ऑलरेडी हुआ है, तो वो सारे काम आपको यहां पे नहीं करने होंगे, ठीक है। अगर किसी कोर्स में फीस ऊपर नीचे हो रही होगी तो वो एडजस्टमेंट फीस आपकी वहां पर हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि आपके साथ ये केस हो जाता है कि आपको दो कोर्सेज में सीट ऑफर हो जाती है, आपने दो कोर्स
एक मान लीजिए एक कोर्स में आप अपग्रेड हो रहे हैं, एक नए कोर्स में भी आपको सीट ऑफर हो गई, ऐसा भी हो सकता है दो कोर्सेज में आपको सीट मिल गई, तो किसी एक कोर्स में आपको अलॉटमेंट लेना होगा, उसके लिए आप एक से विड्रॉ करेंगे और दूसरे में आपका फी पे करके उसका अलॉटमेंट कर लेंगे। अल्टीमेटली बात ऐसी है कि आप एक कोर्स से दूसरे कोर्स में स्विच हो जाएंगे, उसके लिए आपको एक कोर्स से विड्रॉ करना होगा और दूसरे कोर्स को एक्सेप्ट करते हुए उसकी फी पेमेंट करनी होगी। तो ये ओवरऑल प्रोसेस होगा, एक बार रिजल्ट आ जाएगा तो इस प्रोसेस को मैं एक बार आपको और भी समझा दूंगा। ठीक है, समझ गए यहां पर। तो फिलहाल 24 जून को आपका यहां पर रिजल्ट आने वाला है, मतलब परसों जो है वो आपका यहां पर ये रिजल्ट आएगा और फिर उसके बाद के प्रोसेस आपके यहां पर होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कमेंट में कुछ अगर आपको कुछ दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।